हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट यूनिवर्सल में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। टेंस देखिए स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय। इसका डिफिनेशन है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। अब है काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। तो टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है जो हमारा बीत चुका है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है मतलब भविष्यकाल, भविष्यकाल का मतलब हमारे आने वाला दिन जैसे कल यानी नेक्स्ट डे। अब है इसका डिवाइड किए हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का पास्ट पार्ट है सिंपल, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट टेंस का देखिए, पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर का टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस का है पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। सिंपल प्रेजेंट में कार्य का होना या करना पाया जाता है, यानी इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, राम घर जाता है तो जाता है तो लास्ट में ता आएगा, तो ये हम पहचान लेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कार्य का होना या करना पाया जाता है, मतलब ऐसा लगता है इसमें काम हो रहा है या कर रहे हैं। इसमें कुछ रूल हैं। पहला रूल है रूल नंबर वन, इस टेंस के वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जैसे राम घर जाता है तो इसमें हम राम इज नहीं लगाएंगे, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर टू है आई व यू के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आता है, यानी इसमें आई और यू के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। रूल नंबर थ्री है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए, इसमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के लास्ट में यस या यस हम लगा देते हैं। रूल नंबर फोर, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में यस या यस नहीं लगे, यानी कहने का मतलब यह है बहुवचन कर्ता में कर्ता होने पर भी वर्ब क्या होगा बहुवचन होगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा, अर्थात वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेंगे। रूल नंबर फाइव पे नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके पहले डज नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सिक्स है बहुवचन कर्ता तथा आई वी यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेवन है अगर वाक्य में कमी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं, यानी कहने का मतलब वाक्य में आ गया राम कभी नहीं झूठ बोलता है तो कभी नहीं का नेवर लिख देंगे और इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करें। रूल नंबर एट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन नाउन के यानी कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और डज कर्ता से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। रूल नंबर नाइन है आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं डू लगाते हैं, सबसे पहले डू लिखेंगे उसके बाद फिर कर्ता सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद वर्ब की बेस यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। रूल नंबर टेन है अगर वाक्यों के बीच में कब क्यों क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी फिर डू या डज फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं क्यों कब कैसे कहाँ वो अगर वाक्यों के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे फिर डू या डज लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। रूल नंबर 11 है कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मेनी, कौन सा यानी विच के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं। रूल नंबर 12 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं, यानी इंट्रो सेंटेंस चार होते हैं अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, केवल इसमें कर्ता के बाद क्या करेंगे नॉट को और जोड़ देंगे।
उसके बाद रूल नंबर 13 है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क ऐसे अवश्य लगाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, पहला है वह स्कूल जाता है, तो देखिए हम इसमें नॉर्मली पहचान लेंगे वह स्कूल जाता है वाक्य के अंत में ता है, तो ये हम समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसका लिखेंगे ही गो और जाता है, तो चूंकि एक वचन है तो इसके साथ या सी आई एस का प्रयोग करेंगे, तो ही गोज टू स्कूल। दूसरा है वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो ये भी ता है लास्ट में, तो इसको भी पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है। तो ये बहुवचन है तो हम लिखेंगे दे, और बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। तीसरा है वह यहाँ क्यों आती है, तो ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो हम रूल बताए हैं कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो उसकी पहले अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डू या डज, उसके बाद करता है, उसके बाद वर्ब। तो इसमें वाई का होता है क्यों, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे यानी क्यों का वाई, उसके बाद ये एक वचन है तो यहाँ डज लिखेंगे, वाई डज, चूंकि ये लड़की है तो इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, वाई डज सी कम हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है दूध कौन नहीं पसंद करता, तो ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न इंट्रोगेटिव वाक्य और नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो कौन पसंद नहीं करता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो इसको लिखेंगे हु, उसके बाद ये है डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट नहीं का नॉट, हु डज नॉट लाइक मिल्क। नेक्स्ट है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें देखिए हमारा आ गया कभी नहीं यानी नेवर, तो हम बताए हैं रूल में कि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो हम नेवर लिखेंगे और डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे ही नेवर टेल्स ए लाई। लास्ट है तुम एक पत्र लिखते हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक वचन है तो यू राइट द लेटर। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में।